कौन सी चेयर? You will sit on this chair. I'll sit on this. Okay. Hello everyone. My name is Arshia Sharma. Namaste. Myself Sara Satish Palekar. And welcome to Kids Review. जहाँ हम हर एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉय को रिव्यू करते हैं। करे? जो आज का हमारा टॉय है वो है स्पिन आर्ट एंड रोबोट। स्पिन आर्ट से तो हमें समझ आ रहा है घूमने वाली मतलब चक्री जैसा आर्ट। सिस्टर डू इट क्विक। अभी हमें जल्दी से पढ़ना होगा। सो इसके ऊपर लिखा है स्टेम लर्निंग। एस मीन्स साइंस, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, ई मीन्स इंजीनियरिंग, ए मीन्स आर्ट्स एंड एम मीन्स मैथ्स। और लर्निंग तो सबको पता ही है। इस पे लिखा है डू इट योर सेल्फ, टू इन वन किट। तो हम ये खुद से करेंगे। बैटरी ऑपरेटेड मोटर मॉड्यूल। सो मतलब जो ये मशीन स्पिन है तो हम हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, तो इसके अंदर एक बैटरी मशीन होगी। मेक अनलिमिटेड स्पिन आर्ट्स। अनलिमिटेड स्पिन आर्ट्स बना सकते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये यहाँ पे तो लिखा है एज 8+। सारा आप कितने साल के हो? 6। तो सारा तो छोटी है, लेकिन हमारी सारा बहुत स्मार्ट है और मैं तो हूँ ही सारा के साथ, तो हम मिलके ये बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, ये मेड इन इंडिया भी है। अब इसके साइड पे लिखा है कन्वेंशन फॉर लिटिल साइंटिस्ट इन एवरी किट। और हाँ, ये वार्निंग भी दी है, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 years ड्यू टू स्मॉल पार्ट्स। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो MDF पार्ट्स दिए हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो खोलें अब। हाँ चलो खोलें। चलो चलो, बहुत बढ़िया हमने। आप लोग कितना सामान है। ये हमारी मशीन के लिए कार्ड्स हैं, वाटर कलर्स, स्केच पेन, छोटे छोटे कप्स, ये बहुत सारी रबर बैंड्स, और ये है हमारे कलर्स होल्डर, इंस्ट्रक्शन वाली बुकलेट है, मशीन है ना उसके टायर्स हैं। ये फाइनली ये है MDF पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स। ये खोलो, मैं बताती जाऊंगी आपको कि क्या क्या करना है। प्रिंटेड पेपर कटआउट्स, ये छोटी वाली DC मोटर है, देखो बैटरी होल्डर है, लेकिन बैटरी हमें लानी पड़ेगी, बैटरी लाएगी सारा हमारे लिए। ये हमारी बैटरी हमें मिला है। ये देखो गाइस, सब इंस्ट्रक्शन दिए। जल्दी करो। हाँ, सबसे पहले हमें चाहिए ये शायद नीचे आएगी। नेक्स्ट हमें चाहिए ये छोटे छोटे, कहाँ गए ये निकालो सारा इसे। ओके इसे अब हमें बनानी है, प्रिपेयर द डिस्क से लाएंगे। अब लो लगाओ। हो गया। यही है ना? हाँ। यही है। यही है। यस, हमें इसमें से चाहिए ये वाली। ओके। हमें ये दो चाहिए, एक्चुअली ये दो चाहिए। ये दो हो गए हमारे पास, हमें ये चाहिए ये। और हमें चाहिए ये। तो अब हम इन्हें अटैच करेंगे। ये है और इसमें हम डालेंगे ये। अब ये दूसरा। ये बहुत इजी था। अब हमें ये इसमें अटैच कर देना है। हो गया छोटा घर। अब हमें चाहिए शायद ये निकालो। अब हमें ये डालना है इसके अंदर। ये हो गया। यस, और मोटर गाड़ी के अंदर। अब ये ऐसा कुछ बना है, हो गया। स्टेप नंबर 9, इसके ऊपर का स्टैंड चाहिए जो कि है ये होल के अंदर। ये जो है हमारी DC मोटर का ये टॉप है वो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर हमें नंबर्स दिए हैं ताकि हम पता लगा सके कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है। और नंबर्स अंदर चाहिए हमें, नंबर्स अंदर करो ताकि वो क्लीन दिखे। हो गया। मोटर यूनिट जो है वो रेडी हो चुका है। हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आएंगे सर्कल पे। हमें सर्कल के अंदर रेक्टेंगल ही चाहिए।
हाँ ये हमें इसके अंदर डाल, हो गया ये देखो ये अटैच हो गई, ये टाइट करेंगे अब हम इसे। हमारी डीसी मोटर टूट जाएंगी, जल्दी जल्दी करो। हाँ तो अब जैसे ये मोटर हिल रहा है ना बहुत, तो अब हमें इसे स्टेबल करने के लिए क्या करना है दीदी? हाँ ये छोटी छोटी पिंस चाहिए। वाव कितनी चाहिए हमें? दो ही चाहिए। दो यस लग गया है। अब देखो हमारी मोटर, नेक्स्ट स्टेप है हमारे टायर लाओ। ये जो स्टिकर है हटाना है और हमें इसे पूरा मैच करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर मैच करना है। ये देखो अब ये कितना शाइनी है क्योंकि उधर ग्लू है। अब इसे कैसे अब इसे इसके अंदर डालो। ज्यादा बनता लास्ट हो गया। और ये अब देखो इसकी हाइट भी थोड़ी आ गई है, आप देख सकते हो अगर तो। अब हमें चाहिए जिनको हम जो पेपर कटआउट्स इसके साथ हमें मोटर के लिए ये चाहिए। ओह माय गॉड, इनको हम दोनों को आपस से दूर करेंगे। वाओ ये इसके बीच में थोड़े कटआउट्स है रेक्टेंगल शेप के, हमें वो निकालने हैं। निकालो ये कटआउट्स। ब्लू पार्ट नीचे है, ये जो हमने होल किए ना इनके अंदर इसको डालना है। हाँ डल गया ये देखो। अब हमें इन्हें ओवरलैप करना पड़ेगा। लगाने वाली रबड़ लेनी है और इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है ताकि ये निकले ना। हो गया। यस सो ये देखो अभी हमने दोनों जगह पे रबर्स लगा दी है। अब हमें ये लेना है, ऐसा उसके ऊपर लगा देना है। हो गया। सो ये है हमारी स्पिन मशीन जिससे हमारा आर्ट शक्तिमान बनेगा। अब हमें चाहिए ये। आ रहा है एक आई शॉपिंग के लिए, दो भी आई शॉपिंग के लिए। हाँ नेक्स्ट बात क्या है बॉस? हमारी बैटरी अब रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है बॉस? बॉस अब हमें चाहिए रबर्स। ये है MDF पार्ट, हो गया है। और अब इससे हमें अटैच करना है इसे, इसके अंदर हम रबर डालेंगे फिर इसे घुमाएंगे। अब इसे हम यहाँ से अटैच करेंगे। हो गया डन। यस यहाँ पे देखो हमारी बैटरी पे एक बटन है, चलो इसे ऑन करो। ऑन कर दिया, ऑन कर दो वरना बैटरी जाएगी इसकी। जाएगी। हमें चाहिए ये और चाहिए हमें ये दो, ये तीनों निकालो। निकल गया जाता पैकेट बना धमाका। नेक्स्ट इसे उल्टा करो, इनके ऊपर एक के ऊपर एक रखो। अब हम रबर लगाएंगे। रबर अच्छे से लगाना। हमारा पिरामिड बन गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए ये होल है जिसके अंदर मोटर जाएगी। हो गया। करें ऑन। अब हमें पेपर बाद में रखेंगे, पेपर से पहले पेंट। स्पैकल्स ऑफ स्पैकल्स, सिल्वर और गोल्डन। अब हमें चाहिए हमारी मोटर। यस अब पेपर डालेंगे इसके अंदर। पेपर कौन सा चाहिए कलर आपको? ब्राउन। ऑन कर लो। कौन सा चाहिए कलर नेक्स्ट? कौन सा? ऑरेंज। हाँ ऑरेंज चाहिए। पिंक जल्दी दे दो। पिंक कर लो, थोड़ा लो। आई लव इट। बस देखो पहले बना के। वाओ इधर कुछ नहीं किया यार लगता है पर वाओ ये ग्लिटर भी आई है देखो। सो मेरी टर्न। हाँ नेक्स्ट पेपर आपको पहले क्या? पहले मेरे को पिंक दे। ऑन करती हूँ। कौन सा चाहिए? पिंक। ब्लू दो। ब्लू अभी कौन सा? रेड। येलो। नियॉन दो। नियॉन लाइट ब्लू दो। ब्लैक दो। रोके हाँ
दिख रहा है गाइस, ये तो रेनबो दिख रहा है। अब हमारे स्पिन आर्ट्स तो हो गए हैं, अब स्पिन आर्ट एंड ड्रॉ बॉट, तो मतलब पता नहीं कुछ तो ड्रॉ करेगा रोबोट। कन्वर्ट योर स्पिन आर्ट मशीन इनटू ड्रॉ बॉट, तो हमें ये निकालना है। अब हमें ये लगाना है, लगेगा। अब हमें चार स्केच पेन्स डालने हैं इनमें, सो ये हमारे डल चुके हैं एंड अब हम इनकी कैप्स निकालेंगे। अब हमें चाहिए एक चार्ट पेपर, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। चलो अब हम अपने ड्रॉ बोर्ड को ऑन करें। एक्साइटेड? एक्साइटेड। चलो इसे ऑन करते हैं। बाप रे, वाओ, रोबोट तो ऐसे 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 यू कर रहा है, छोटा छोटा गाइस, कुछ तो बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। हाँ ना। ओह चलो, कैसा लगा ये तो है, मतलब हमारा जो काम किया है हमने बहुत हार्ड काम, ये जो मतलब हार्ड है पर जब ये बना रहे हैं ना ऐसे लगता है कि अरे ये तो कोई हार्ड नहीं था, ये तो इतना इजी था ना, मुझे बहुत मजा आया। I can't tell you. और अगर आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में और अच्छे से जानना है तो ये टॉय लो, इसके साथ ये बुकलेट आएगी, इस बुकलेट में सब पढ़ लेना। अब चलो इसको रेटिंग देते हैं कि हमें किस किस में कितना लगा। सो पहला इज डिफिकल्टी में आप इसे 5 में से कितने दोगे? 3। क्यों? रबर बैंड हार्ड है पर सब इतना भी नहीं हार्ड है। सो वैल्यू फॉर मनी में कितना लगा? ये 849 रुपीज की है। और बताओ, 4 स्टार। फन क्वेश्चन में कितने स्टार्स? 5 स्टार्स। ओके, क्वालिटी में कैसा लगा आपको? 5 स्टार। और स्किल में आपको ये कैसा लगा? 5। सो टोटल हम इस टॉय को 5 स्टार्स में से कितना देंगे? 4। मतलब 4.5, मैं भी 4.5 ही दूंगी। अब सारा, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके, ये रहा आपका सरप्राइज। सो ये पेंटिंग जो आपको पसंद आई थी वो हमने फ्रेम करवा ली है, और ये जो मुझे पसंद आई थी वो मैंने फ्रेम करवा ली है। इसके साथ स्टैंड भी मिलता है, जहां मर्जी इसे रख लो। वाओ, आई लव्ड इट, थैंक यू। अच्छा तो अब लास्ट, तो ये है सारा के लिए सर्टिफिकेट, फॉर सारा फ्रॉम अर्शिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब फॉर बटन चैनल। बाय बाय।